ये कैसे हो सकता है? हाँ, सो प्लीज रिपीट इट वंस मोर। मैंने बोला कि चंद्र राशि का जो स्वामी है, हस्बैंड और वाइफ स्पाउस, उनके अगर सेम है तो कैंसिल होते हैं। जैसे एरीज और स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक, ठीक है, और वृषभ और तुला। धकोट का मतलब लव नहीं होता, ठीक है। वो पता नहीं सॉफ्टवेयर में क्यों लिखते हैं लोग, क्या सोच के लिखते हैं पता नहीं, धकोट का मतलब लव नहीं होता, ठीक है। और ना ही धकोट कॉन्सेप्ट का किसी लव से मतलब है, मतलब डीपर सेंस में है, ऐसा नहीं मतलब नहीं है, बट यही एक मतलब नहीं है उसका कि इतना बड़ा बड़ा हाईलाइट करके लोग लिखते हैं मतलब। तो बहुत लोग तो इसको जीरो देख के आ जाते हैं टेंशन में, पंडित जी क्या करें, नाड़ी दोष भी ठीक है, सब कोई कोई दिक्कत नहीं है, बकूट नहीं मिल रहा है, उसमें लिखा रहा है कि लव जीरो, कैसे चलेगी जिंदगी। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। बट जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सातवा हमारा कोर्ट है, मैक्सिमम 7 पॉइंट मिलता है उसमें, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंट देन गण, क्योंकि जो गीतांजलि ने जो पूछा कि गण को इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर भकुट और नाड़ी मिलते हैं तो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप समझो, भकुट का मतलब होता है चंद्र राशि, बस सिंपल मतलब है भकुट का। भकुट और भचक्र, भ दो दो शब्द है, भकुट एक शब्द है, भचक्र है ना। ये भचक्र का मतलब क्या होता है, वो कुंडली, ठीक है, बट उसमें अभी कोई वो नहीं है, कोई लग्न नहीं है उसमें, सिर्फ राशि राशियां हैं बस, जिसे काल पुरुष कुंडली बोलते हैं ना वैसा कुछ, बट उसमें विदाउट लग्न है, तो भचक्र हो जाता है। बीएनएन में भचक्र को यूज किया जाता है ना, हम लोग बिना लग्न के प्रेक्षण करते हैं वहां पर, तो वो भचक्र कुंडली बोलते हैं उसको। ये है भकुट, यहाँ बात हो रही है सिर्फ मून साइन की, चंद्र राशि को भकुट बोलते हैं। ये राशि बा मतलब भकुट मतलब चंद्र राशि, 7 गुण मैक्सिमम इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब कोई से पूछा आपका भकुट क्या है तो कैसे बताएंगे, चंद्र राशि जो है वही भकुट है, मेरी चंद्र राशि मेष है तो मेरा भकुट मेष है ना। मीरा जी की चंद्र राशि अगर मीन है तो उनका हो गया भकुट मीन, अभिजीत जी की अगर तुला है तो उनका हो गया तुला भकुट, बस कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई लव मैटर नहीं है इसका अंदर, ठीक है। अब जानना कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको 7 पॉइंट क्यों लाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना वो चंद्र को ही मैच कर रहे हैं, यहाँ पर आप चंद्र राशि को ही मैच कर रहे हैं पूरा पूरा। अभी तक तो हम लोग चंद्र नक्षत्र के कुछ गुण ले रहे थे, हमने वहां पर गण वाला गुण लिया, राक्षस देवर हो, कभी हमने गुण लिया कुछ और, कभी हमने गुण लिया कुछ और, कभी राशि के गुण लिए। अब पूरे चंद्र राशि का ही पूरी पूरी ओवरऑल वो बात कर रहे हैं, इसलिए इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंक्लूसिव एवरीथिंग है इसके अंदर, इसलिए इससे पहले वाला जो है अगर फिर भी जीरो होता है चल जाएगा, बट ये दो नेक्स्ट होने चाहिए भगवत, और ये आपके मिलने चाहिए 100%। तो इसके 3 नियम है इसके, ये भगवत को आइडेंटिफाई करने के, ये है कि अगर जो मेल एंड फीमेल की जो राशियां हैं, हमने मेल की राशि निकाल ली, फीमेल की राशि निकाल ली, अगर ये राशि 2:12 है, ठीक है, या 5:9 है, या 6:8 है, तो भकुट दोष बनता है, भकुट दोष बनेगा, अदरवाइज पूरे नंबर मिल जाएगा। इसमें आपने देखा, इसमें या तो नंबर मिल रहे हैं 7 या 0, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है, या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सरल नियम है, कोई इसमें कोई समस्या नहीं है। दोबारा रिपीट कर दो, 3 चीजें का आपको ध्यान रखना भकुट को चेक करते हुए, पहला 2:12, 5:9, 6:8, आपकी राशि आपके पार्टनर की राशि 2:12 में है तो भकुट दोष बन गया, 5:9 में है तो भकुट दोष बन गया, 6:8 में है तो भकुट दोष बन गया। अब एक कैसे बन रहे हैं 5:9, 2:12, 6:8, ये थोड़ा एक बार हम लोग समझते हैं, ये आपको समझ में आज तक आ गया होगा, बट स्टिल मैं एग्जाम्पल एक लेता हूँ इसका। पतंजलि जी बोलिए, त्रिकोण होता है 2:12 समझ में आ रहा है, 6:8 समझ में आ रहा है, बट 5:9 को क्यों लेते हैं, वो तो त्रिकोण है, तो वो तो ऑस्पिशियस होना चाहिए लॉजिकली सर। देखो 5:9 में क्या होता है कि
मान के चलो कि आपका राशि है, आपके पार्टनर की राशि वहां से फिफ्थ राशि है, ठीक है, तो आपसे और आपके पार्टनर की तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब वन और फाइव का मतलब हो गया, ठीक है, यहाँ पर वो संतान उत्पत्ति की कामना है दोनों में, मतलब एटलीस्ट उस पार्टनर में जिसकी तरफ से फिफ्थ राशि बनती है, पर वो जो पार्टनर जो होगा ना उसकी तरफ से वहां पर वो नाइन्थ राशि बनी है। उसके पार्टनर के चेक करोगे आप अपने अपने पार्टनर से अपनी राशि, तो वो नाइन्थ राशि बनेगी, है ना। तो वो जो नाइन्थ जो पोजिशन है वो संतान उत्पत्ति के लिए अच्छी नहीं होती, कॉन्ट्रेडिक्ट है दोनों में, है ना। 159 वैसे तो अच्छा ट्रायंगल है, बट इस में दोष वो ले रहे हैं बेसिकली संतान के लिए। 212 तो वो मैरिज मैरिज के टाइम पे और आफ्टर मैरिज फाइनेंशियल डिफिकल्टी देता है, ठीक है। 59 वाले में संतान में दिक्कत ही देता है। सर संतान कैसे, एक बारी मुझे प्लीज ये वाला बताइए, 59 वाले में कैसे दिक्कत होगी? वो तो समझ में आ गया कि नाइन्थ होगी वहां से पार्टनर की राशि से। हाँ ये नाइन्थ आपको समझ में आ गया। तो जो 59 का जो दोष होता है बकूट में, उसके लिए बोला जाता है कि ये दोष जो होता है ना वो संतान में समस्या देगा, ये लिख दिया शास्त्रों में बस, ठीक है। अब वो समस्या का मतलब समझना, या तो बच्चे नहीं होंगे पहला ऑप्शन, ठीक है, मतलब आप आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी एक में ना कोई डिसइंटरेस्ट है उसमें सब्जेक्ट को लेके, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सुख नहीं है, बच्चे होंगे बट आपको संतान सुख नहीं मिलेगा उनसे, क्योंकि ये जो फिफ्थ राशि से जब नाइन्थ राशि बनेगी ना, ये स्पिरिचुअल राशि, ये स्पिरिचुअल एंगल हो जाता है। तो वो आदमी को ना, वो अभी जितने भी साधु संन्यासी होते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं, क्यों जी। उसको मतलब होगा ये वही तरीके का कुछ। बकूट दोष तीन तरीके से बनते हैं, मैंने बताया, एक बनेगा 212 पोजीशन से, आपके और आपके स्पाउस की राशि 212 हो, या बनेगा 59 या बनेगा 68। जब 212 बनेगा तब प्रॉब्लम आएगी फाइनेंशियल, इन मैरिज आफ्टर मैरिज, मैरिज तय हुई, शादी के लिए लोन लेना था, लोन हो गया रिजेक्ट, शादी हो गई, दहेज की रकम बढ़ा दी बिल्कुल मैरिज के टाइम पे, कुछ कुछ हो गया, मतलब ऐसा जब आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ पैसों को लेकर समस्या मतलब बढ़ गया। कारण कौन होगा? कारण वो जो 12 बन रहा होगा ना, कारण वही होगा, वही पर्सन कारण होगा, हो सकता है वो पर्सन या उस पर्सन के पर्सन से जुड़े हुए लोग कारण बनते हैं। ऐसा मैं केस आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी ना, ये होने के बाद नेक्स्ट सेशन में जब लेंगे एग्जाम्पल चार्ट, उसमें मैरिज हुई और वाइफ की जो भाई है, वाइफ के जो भाई है ना, उन्होंने बिजनेस करने के लिए पैसे लिए और पैसे डुबा दिए, अब बड़ा पैसा जिसमें गारंटी थी कि तुम्हें बेनिफिट होना ही होना है। उसके बाद वो समस्या इतनी बढ़ गई कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई दिक्कत नहीं शुरू हुई। पैसा पैसा आया, किसका पैसा? उसके भाई का पैसा, वाइफ के भाई। सर हमें केस बताएं। सर हमारे लड़के की शादी जब हुई तो उसकी और उसकी वाइफ की 212 है, तो हमारे पता नहीं, हाँ तो हमारे पता नहीं क्या दिमाग में आया। मतलब लड़के की है स्कॉर्पियो और बहू की है सेजिटेरियस, तो लड़के की 12, हाँ तो लड़के की 12 हुई, तो हमारे दिमाग में पता नहीं क्यों ये आया कि इसकी लियो लग्न की उंगली, तो इसकी शादी में इसकी मदर की तरफ से जो बराती आए उनको सिल्वर कॉइन दे दिया जाए। अब वो क्यों आया ईश्वर ही जान सकता है। हमने कहा कि, तो हमने उनको कहा कि, उन्होंने फौरन मना कर दिया। इस पे हमारा इतना मूड ऑफ हुआ। और मतलब अननेसेसरी प्रॉब्लम हुई, और अगर हम नहीं करते तो नहीं होती है प्रॉब्लम। तो ये है 212 का, नहीं नहीं होता है, मतलब कुछ ना निकलेगा उसमें। हाँ तो मतलब पैसे ही तो हुआ ना, ये सिल्वर कॉइन बांटने को जो हमने कहा वो पैसा ही तो हुआ एक तरह से। हाँ तो पैसों की वजह से प्रॉब्लम आई। 212 मेरा खुद का 212 में है। शादी वाले दिन ही खर्चा हुआ, उसके बाद तो पता नहीं कितने खर्चे हुए, आज तक चल रहे हो, है ना। तो मतलब मेरा ऐसा भी खास शौक नहीं है खर्च करने के लिए, मैं पैसा बहुत सेव कर सकता हूँ मजे से, ठीक है। बट जैसे ही पैसा सेव होने जाता है ना, तो वो खर्चा खड़ा हो जाता है। वो खर्चा कहाँ से आता है? वो खर्चा इस 212 की तरफ से आता है।
ठीक है सर, सर मतलब ये है कि अपने ऊपर चीजें फेल हो जाती है ना सर। हाँ बट ठीक है, तो मैंने थोड़ा देखा है बहुत बारी, अगर मैं कुछ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने लगू ना तो सर दिमाग ही ठप हो जाता है उस टाइम पे। इम्प्लीमेंट करो, जैसे मुझे पता है 212 पोजीशन में है मेरे साथ, ठीक है, तो अब मेरे को थोड़ा सा ना मैं स्मार्टली और थोड़ा टाइप रेमेडीज की बात कर लो या फिर कर लो, तो मैं वैसे डील करता हूँ। मुझे खर्चा करना ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा मैं उनकी तरफ से करूंगा, पर अल्टीमेटली बेनिफिट वो मुझे ही होता है, ठीक है। उनको अपने गाँव में घर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने नाम से कर लेता हूँ, उनको उनको उनकी मिल गई, लेकिन गाँव में उनको घर भी मिल गया, मेरी प्रॉपर्टी बन गई, क्या है। अब मेरी नजर में देखो खर्चा तो हुआ, बट अल्टीमेटली ठीक है, मेरा वो कुछ लग गया इसके लिए इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे आपको ना लिखेंगे ज्योतिष, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसको मॉडिफाई कर सिचुएशन। अरुणा शाह जी, आपने एड्रेस किया है सर 212 की राशि बोलेंगे कैसे कैसे, यानी एकदम एग्जैक्ट इसके पीछे के नहीं रहे। 212 की राशि, हाँ एक दीजिए, देखिए आपकी मेष है तो सामने की मिथुन है, ऐसा ऐसा मैं आपको ना दो तीन एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे मैं मेरी और हस्बैंड का ना नवम पंचम दोष पंचम है, यानी मेष और मिथुन ऐसा ना सर। हाँ मेष, जैसे मेरा हो गया मेष, ठीक है, हाँ ठीक है। मैं पहले मैं समझाता हूँ, तीनों समझाता हूँ करके, ठीक है। अब मेरा छोड़ दें, तीनों लगता हूँ, कोई बात नहीं। अभी बहन भी बोली ने वृश्चिक ना वृश्चिक, उनका भी है ना कुछ, उन्होंने 5-9 बोला। अभी जैसे मेष है और राशि मान के चलो लियो होगी, लियो सिंह राशि होगी, ठीक है, तो सिंह लोग कितना हो गया 5, ठीक है, और सिंह से अगर आप मेष काउंट करेंगे तो हो गया 9, तो ये हो गया आपका 5-9। पंचम नौ क्लियर हो गया। अभी एरीज और टॉरस, एरीज और टॉरस, मेष और मीन, मेष सॉरी मेष और वृषभ, मेष से वृषभ कौन सा हुआ? 1-2 212 हुआ ना, नहीं 212 हुआ ना सर, 212 हो गया पूरा, ठीक है, मेष और वृषभ 212, ठीक है। कन्या और तुला, तुला भी हो गई, कन्या और तुला, कन्या तुला भी हो गया, मेष मिथुन नहीं होगा, ठीक है, मेष वृषभ। अगर मेरी राशि मेष है तो 212 बनने के लिए वो होना पड़ेगा वृषभ, ठीक है, तो वो अंडरस्टूड। अभी अगर एरीज और वर्गो हो गया फिर 6-8 हो गया, ये आपने किसी का ये तीन ही कंडीशन बनती है इसके अंदर। पहला कंडीशन 212 फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन मैरिज आफ्टर मैरिज, 6-8 डिफिकल्टी देगा, हर तरीके की डिफिकल्टी है ना, झगड़े डिस्टर्बेंस सब चीज। और 5-9 ये स्पेशली बच्चे बच्चे का सुख ये सब चीजें, बच्चे का सुख जब हम बोलते हैं तो वो उसके बहुत मतलब निकलते हैं कि बच्चे की वजह से परेशानी रहेगी, मतलब पूरे जीवन भर आप बच्चे को ही आप बच्चे में ही सारा निकाल दोगे, जैसे धृतराष्ट्र, ठीक है, ये एग्जांपल है 5-9 का। सर प्रैक्टिकल में हमने देखा है कि एक पार्टनर जो होता है ना वो और दूसरी जैसे पूजा पाठ या इस तरह की जो गतिविधियां होती ना उनमें ज्यादा लगा रहता है, ग्रह घर गृहस्थी में थोड़ा कम ध्यान होता है, होता है। नहीं मेरे मेरे कॉन्टेक्ट में है ऐसे लोग, बच्चा चाहते हैं बट हस्बैंड कुछ बहुत ना वो हाई फाई वो है, वो ज्योतिषी वो मनुस्मृति पता नहीं कहाँ कहाँ से वो नियम निकाल के लाए हैं कि किस दिन मतलब हम ट्राई करें तो मेल ही होगा, ठीक है, ये नियम है, ठीक है, ये इसका कुछ फॉर्मूला है, ये होता है, तो वो नक्षत्र तिथि एकदम मतलब बिल्कुल प्रिसाइज करेंगे, तो इस चक्कर में चली गई जीवन। इसके लिए रेमेडी कर सकते हैं ना सर,
सर, ये टू ट्वेल्व के हाँ तीनों में पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, ये तीन समझ में आ गया आपको जी? ठीक है, और या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, तीनों कंडीशन में से कुछ भी फुलफिल होगी तो जीरो पॉइंट। ठीक है, नहीं तो बाकी सारे केसेस में चाहे वन वन की पोजीशन हो, ठीक है, चाहे 311 की हो, 410 की हो, 77 हो, 86 हो, 95 हो, 104 हो, 113, सभी में सात मिलेंगे। 212 को बोलते हैं द्वादश, ये योग भी होता है ना। 159 को हम बोलते हैं नव पंचम, और 6-8, अच्छा ये 6-8 जो बोल रहा हूँ ना, ये 8-6 भी लागू होगा दोनों। तो अगर ऐसा देखा जाए तो आपके पास अब चार कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, 212 को 12-12 दोनों में से कुछ भी ले लो, दोनों ही सेम है। 6-8 ले लो चाहे 8-6 ले लो, 5-9 ले लो चाहे 9-5 ले लो, ये सारे कॉम्बिनेशन काम करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं? ठीक है, उपाय, चलो इसके उपाय हैं, बट उपाय करने वाले लोग, फिर वही बात आती है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हम समझ लेते हैं, क्योंकि ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस बकुट दोष का एक्सेप्शन, सबसे बड़ा एक्सेप्शन होता है ये कि अगर चंद्र राशि का जो स्वामी है, मेल और फीमेल का, अगर वो सेम है, ठीक है, अगर वो सेम है, बकुट दोष अगर हो रहा है तो वो दोष कैंसिल हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने बोला कि चंद्र राशि का जो स्वामी है, हस्बैंड और वाइफ, स्पाउस, उनके अगर सेम है तो कैंसिल होते हैं। जैसे एरीज और स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक, ठीक है, और वृषभ और तुला, है ना, ये बनेंगे 6-8 बनेंगे अगर आप देखो, है ना, दोनों ही सेम लॉर्डशिप रूल करते हैं तो ये हार्मफुल नहीं होगी। कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, मकर और कुंभ, ये 212 का एग्जाम्पल है, दोनों के राशि सेम है, बकुट दोष बनेगा इसमें, सॉफ्टवेयर में जीरो ही दिखाएगा, पर ज्योतिषी आप, आपको पता होना चाहिए कि मकर और कुंभ में बकुट दोष नहीं होता है, पंचांग में भी लिखा होगा ये है दोष, ठीक है, बट वो नहीं हो, कैंसिल होता है, दोनों की लॉर्डशिप सेम है, सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब उसके पीछे का बेस आप समझ रहे हो, है ना। अब आप ये देखो कि जो स्टार्टिंग में जो समृद्धि जी बता रही थी ना कि लव कंपेटेबिलिटी दिखाता है, मुझे बताओ इनमें से कौन सा लव कंपेटेबिलिटी का गुण है इसके अंदर? ये सारे प्रैक्टिकल पैरामीटर्स हैं सब, और तीनों अलग अलग, तीन दोष, तीन डिफरेंट एरिया दिखा। लव कंपेटेबिलिटी में भी हो सकता है, 5-9 को बोला जा सकता है, बट अल्टीमेट उसका एम संतान के लिए है। दूसरा एक्सेप्शन इसमें एक और हो सकता है कि पहले मैंने बोला सेम हो, जो राशि के जो लॉर्ड है वो सेम होने चाहिए, या फ्रेंडली हो सकते हैं, अगर फ्रेंडली रहेंगे ना तब भी वो काम, दोष कैंसिल हो जाता है। तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को आप देखोगे तो 70% मतलब 50% जो कुंडलियां होंगी ना वो बकुट दोष से फ्री हो सकती है, एक्सेप्शन को अगर अप्लाई करा जाए। सेकेंड न्यूज बताए थे मेष और धनु, मेष और धनु अगर राशियां हैं तो कौन बन गए लॉर्ड? मार्स एंड जुपिटर, फ्रेंडली है वो, अगर ये बकुट दोष अगर इसमें है तो कैंसिल होगा। वृश्चिक और मीन राशि, 6-8 बनेगा बट ये दोष नहीं होगा, तो इसमें कुछ हमको उपाय उपाय करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। सर तुला और वृश्चिक का बताइए। तुला और वृश्चिक की, तुला वृश्चिक तो आपके बन गए 212, लॉर्ड्स कौन हो गए इनके? तुला राशि, वृश्चिक राशि, मार्स और शुक्र, मतलब मार्स, मंगल और शुक्र, मंगल शुक्र कैसे हैं? फ्रेंडली है, एनिमिटी है, क्या चीज है? वैसे तो हमने देखा है कि मतलब एनिमी कहा जाता है, लेकिन वैसे हम देखते हैं कि आपस में आकर्षण बहुत होता है मार्स वीनस में। हाँ, तो वो मार्स वीनस को तो मेल फीमेल ही बोला जाता है ना। हाँ सर, आपस में हमने देखा आकर्षण होता है। जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो मार्स वीनस का एनिमी एनिमी मत समझना आपको। ठीक है, तो वो जो मीनाक्षी पूछ रही है, इन्होंने पहले भी यही तो क्वेश्चन था, वो मैच हम लोग वो देख रहे थे।